हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो की हाल चाल है आप सभी के। तो अभी राइट नाउ हम आए थे KTM शोरूम में, जो कि बहुत दिन बाद आ रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया कि मैंने पिछले 1 मंथ से कोई वीडियोस नहीं किया था क्योंकि प्रॉब्लम भी बता दिया था मैंने। तो उस बीच में KTM ने बहुत सारे अपने बाइक्स जो 2020 मॉडल BS6 के थे उसको लॉन्च किया। हाँ उसको बताएंगे ना। तो अभी हम आए हुए हैं KTM शोरूम में, जो कि चेंज हो गया। एक्चुअल पहले लिंक रोड पे था, अभी ये है SV रोड पे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सब एड्रेस वगैरह दे दूंगा। तो बात ये ब्लैक वेट। अरे वाह, इधर तो रिंग लाइट है यार, अच्छा है। तो बात ये है कि इस बीच में KTM ने बहुत सारा अपना मॉडल जो है लॉन्च कर दिया, और तब लॉन्च किया जब मेरा पंगा चल रहा था कि मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। तो बस यही है कि हम सोचे कि अभी कंटिन्यू करते हैं वीडियोस बनाना, क्योंकि हमारे जो KTMs के बाइक्स के जो वीडियोस हैं वो बहुत फेमस हैं। तो हम सोचे कि आज बनाते हैं। तो हम आए थे KTM 390 एडवेंचर का वीडियो बनाने, बट वो अभी इस टाइम है नहीं। बट फर्दर हम वीडियो में बताएंगे, मतलब जब आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके भी रिव्यूज़ बनाएंगे। तो अभी आज हम बना रहे हैं, बहुत लंबा हो जा रहा है। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं, वॉक अराउंड रिव्यूज, एग्जॉस्ट नोट, सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। किसका? KTM ड्यूक 200 2020 मॉडल BS6। तो जो कि पूरा मॉडल, जैसे कि हमने एक रिक्वेस्ट वीडियो बनाया था KTM इंडिया से कि प्लीज़ यार, जो पुराना मॉडल है KTM ड्यूक 200 का, उसका जो मॉडल है वो चेंज कर दो। तो फाइनली हमारी रिक्वेस्ट KTM इंडिया ने सुन ली थी और पूरा का पूरा जो मॉडल था वो पूरा चेंज हो गया, पूरा एकदम 390 जैसा एकदम दे दिया है, 250 जैसा दिया। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं बाइक को, ठीक है। तो जी हाँ, आज हम रिव्यू करने वाले हैं KTM ड्यूक 200 2020 मॉडल BS6। तो जी हाँ, बहुत सारा हमारे पर रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई तूने बोला था वीडियोस बनाने का, बट बनाया नहीं। तो आपके सामने ये रहा ड्यूक 200 2020 मॉडल। तो काफ़ी खूबसूरत दिया हुआ है और दो कलर में लॉन्च किया है, एक तो एक वाइट है और सेकेंड जो है वो ऑरेंज है। तो ऑरेंज अवेलेबल नहीं है, ऑरेंज भी दिखा देता है, तो वाइट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप बाई कर रहे हो तो वाइट बाई करो, तो रॉयल कलर, क्योंकि मेरी भी ड्यूक वाइट ही है। तो पूरा का पूरा मॉडल चेंज कर दिया है। तो जो पुराना था उसका फ़ोटो ये रहा और जो नया है उसका फ़ोटो ये रहा। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, और डुअल चैनल ABS आ गया है, आप देख सकते हो ABS। और बाकी के सारे जो इसके पावर वगैरह हैं सब सेम ही है, बट इसका पूरा जो मॉडल है वो चेंज कर दिया है। जी हाँ, और सिटिंग पोजीशन वगैरह भी हम आपको बता देते हैं, सेम अपराइट। वाह, और जैसा कि आपको स्पीडोमीटर 250 में मिलता था, सेम टू सेम आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा ड्यूक 200 में। तो जो कोई ड्यूक 250 या ड्यूक 390 नहीं अफोर्ड कर सकता था, अभी ड्यूक 200 खरीद के उसको अफोर्ड कर सकता आई थिंक। सही है यार, हाइट वाइट भी सेम है, देखो। यस, और वही टॉप स्पीड आपको मिलेगा 134-135 जो कि ड्यूक 200 पुराना देता था, वही मिलेगा। और वही माइलेज आपको मिलेगा, सारा चीज़ आपको वही सब मिलने वाला है। बाकी जो मॉडल है और वो बाकी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो ये जो नया वाला लुक है वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बाइक मैं अपग्रेड करूँ, तो मैं भी ड्यूक 200 जो नया वाला मॉडल है या फिर एडवेंचर जो आया हुआ है वो, तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। तो KTM इंडिया, थैंक यू सो मच फॉर अपग्रेडिंग योर मॉडल्स, ओल्ड मॉडल टू न्यू मॉडल। जी हाँ, और इसको लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया और मैं थोड़ा लेट हूँ, मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, हमारे ऑडियंस के लिए हमें वीडियोस बनाना था तो हम बना रहे हैं। जी हाँ, और देखो आवाज भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है हमको।
और जैसा कि ड्यूक 200 में अंडर बेली एग्जॉस्ट होता था वही सेम है, और ड्यूक 250 और 390 में से ऊपर होता था वैसा नहीं है, अंडर बेली ही है, तो ये भी अच्छा ही है, स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा आपको। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि इसका एग्जॉस्ट है वो भी अंडर वैली है जैसा कि था, बट थोड़े बहुत चेंजेस है कि जैसा कि पुराने मॉडल में था ड्यूक 200 में उससे चेंजेस है, और बस यही सब मिनिमल चीज़ें थी जो कि जो मेजर चेंजेस थी, और बाकी सारी चीज़ें सेम है, जो इंटरनल चीज़ें वो सेम है, जो आउटर एक्सटर्नल चीज़ें थी वो बाकी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं प्रॉपर वॉक अराउंड, ठीक है। और अभी जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया वॉक अराउंड बाइक की, और क्या खूबसूरत बाइक दिख रही है। आई होप कि मैंने वीडियो में भी अच्छे से कैप्चर करके आपको दिखाया हो, और मैंने कोई भी कलर ग्रेड यूज़ नहीं किया है, मैंने सोचा कि नेचुरल आपको दिखाऊं ताकि आप जज कर सके कि बाइक कैसा दिख रहा है। और इस बार KTM वालों ने बड़ा ही अच्छा लाइटिंग किया, जो नया शोरूम बना हुआ उसमें रिंग विंग लाइट ये देखो लगा हुआ, ये देखो। तो टिकटॉक ने पूरी दुनिया ही बदल दी भाई, हर जगह रिंग लाइट चल रही है। तो अभी ये देखो बाइक इधर खड़ी है, और मैंने एग्जॉस्ट नोट भी सुना दिया, तो इसका एग्जॉस्ट नोट, इसका जो साउंड है एग्जॉस्ट का वो थोड़ा चेंज है, जो पहले आता था अभी ये थोड़ा आई थिंक सूदिंग टाइप का है, पहले वाला ज़्यादा ऑटो टाइप का आता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हाइट वाइट भी मैंने बता दिया कि आप 5.5 के ऊपर हैं तो आप बाइक बाई कर सकते हैं, अगर उससे नीचे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लोग चलाते हैं बट प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, और दैट्स इट। मेरे को बाइक बहुत खूबसूरत लगी, और आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि बाइक आपको कैसी लगी, तो और क्या कुछ चेंजेस और कर सकता था KTM। तो आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, आप बताएं कि बाइक कैसी लग रही है, और अगर किसी ने ले लिया तो वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता है कि बाइक आपको कैसी लगी, आपको राइड करते वक्त कैसी लगी, और वैसे भी ओवरऑल क्या प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ रहा है अगर आपने लिया है, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं हमको, ठीक है। तो आई थिंक और कुछ छूट नहीं रहा है मेरे से, आई एम नॉट अ प्रो रिव्यूअर, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। और हाँ, सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई ही नहीं, इसके प्राइस जो तो ऑन राइड क्या फंबल हो रहा है, तो जो ऑन रोड प्राइस इसकी है यहाँ पे वो है 2,03,000 ऑन रोड प्राइस है, तो आप घर ले जा सकते हैं 2,03,000 में, डुअल ABS आपको मिलेगा, और कसम से क्या खतरनाक वाला
लाइटिंग है सच में। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी सारी जो स्पेसिफिकेशंस जो पुराने फीचर्स थे वो सेम है। बाकी ये डुअल चैनल एबीएस है, माइलेज सेम रहेगा, टॉप स्पीड सेम रहेगा। आई थिंक इसका जो पावर है बाइक का थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ये बी एस सिक्स है, तो दैट्स इट। और कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल से चेंजेस नहीं है, तो यही बताना था। ठीक है, सो हमने सोचा कि बाहर जाके हम वीडियो को एंड करेंगे, बट लाइटिंग ही इतना अच्छा है कि हमको यहीं करना पड़ रहा है। और एक फिल्म मेकर, एक व्लॉगर को लाइटिंग से ज़्यादा अच्छा आई थिंक कुछ भी नहीं लगता। तो चाहे वो आउटडोर लाइटिंग हो, नेचुरल लाइटिंग या आर्टिफिशियल लाइटिंग, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी आर्टिफिशियल लाइट है। तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल सा वीडियो था जिसमें कि हमने आपको एग्जॉस्ट नोट दिखाया, वॉक अराउंड दिखाया और उसके कुछ स्पेसिफिकेशन और जो मेजर चेंजेस हुए मॉडल में वो मैंने आपको बताया। तो ये था, और टेस्ट राइड तो अवेलेबल है नहीं, तो नहीं तो टेस्ट राइड रह के मैं आपको बता देता। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना वीडियो में कि क्या आप लोगों को अच्छा लगा और क्या कुछ चेंजेस आप लोगों को अच्छे लगे KTM के। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, अगर किया हो मेरा भाई तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत ही फाड़ू ब्लॉग्स और भी आने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच KTM फॉर अपग्रेडिंग योर मॉडल्स इन नो मॉडल। अब एक मेरा फंबल कितना हो रहा है, यही होता है कि जब आप कुछ दिन तक वीडियो ना बनाए तो आपको इतना ज़्यादा फंबल होने लगता है कि क्या बताओ, छोटी छोटी चीज़ों में आपको फंबल होने लगता है, जैसे कि आपका इंट्रो और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो बाय बाय। क्या है आपकी हाइट? 6 फीट। 6 फीट, देखो 6 फीट है तो पूरा आपका पूरा टच हो जाएगा, अगर 5'9" है तो टच हो जाएगा आपका, सिर्फ 2 टच।